आपके पास Redmi Poco Xiaomi का कोई भी डिवाइस है तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इस डिवाइस में कोई भी सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है तो उसको कैसे किया जाता है। पूरा प्रोसेस में आपको कंप्लीट करके दिखाने वाला हूं। सबसे पहले तो सेटिंग में जाना है, देन आपको अबाउट फोन में जाना है, उसके बाद जो आपको MIUI वर्जन देखने को मिलेगा इस पर आपको टैप कर लेना है। और जैसे आप यहाँ पे टैप कीजिएगा, टैप करने में जो भी सॉफ्टवेयर का अपडेट होगा वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस प्रकार का सॉफ्टवेयर का अपडेट का इंटरफेस देखने को मिलता है। क्या क्या चेंजिंग आता है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बड़ा अपडेट आया है, उस हिसाब से आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। बड़ा अपडेट है तो आप यहाँ पे वाईफाई से अपडेट कर सकते हैं। नीचे में आपको डाउनलोड अपडेट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट होना चालू हो जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे डाउनलोड का प्रोसेस कंप्लीट होगा, और अगर जितना बड़ा यहाँ पे अपडेट होगा उस हिसाब से यहाँ पे टाइम लग जाता है। तो जब यहाँ पे डाउनलोड का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होता है उसके बाद क्या प्रोसेस देखने को मिलता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो अभी देखिए यहाँ पे डाउनलोड का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, और जैसे यहाँ पे डाउनलोड का प्रोसेस कंप्लीट होगा देन यहाँ पे अपडेटिंग वाला प्रोसेस देखने को मिलेगा। और अपडेटिंग वाले प्रोसेस में भी यहाँ पे काफी टाइम लग जाता है, लगभग 10 मिनट यहाँ पे अपडेटिंग के प्रोसेस में टाइम लग जाता है। तो इस प्रोसेस को भी मैं यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूँ, और कंप्लीट करने का नेक्स्ट प्रोसेस क्या आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपडेटिंग का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अब आपको फाइनलाइजेशन वाला प्रोसेस देखने को मिलेगा, और इसमें भी 10 मिनट यहाँ पे लगभग टाइम लग जाता है। तो चलिए इस प्रोसेस को भी मैं यहाँ पे कंप्लीट कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद रिबूट नाउ वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपका मोबाइल यहाँ पे रिबूट होना चालू हो जाएगा, और इसमें भी आपको 10 से 15 मिनट लगने वाला है। और जब आपका मोबाइल यहाँ पे रिबूट हो जाएगा, रिबूट होने के बाद आप यहाँ पे देखेगा तो आपका मोबाइल यहाँ पे अपडेट हो जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे चेक करा देता हूँ अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। तो फिर से सेटिंग में जाऊंगा, और सेटिंग में जाने के बाद अबाउट फोन पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। देन फिर से यहाँ पे MIUI वर्जन में जाऊंगा, तो देख सकते हैं जो वर्जन मुझे सॉफ्टवेयर का मिला था वो वर्जन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अब आपको यहाँ पे कोई भी सॉफ्टवेयर का अपडेट देखने को नहीं मिल रहा है, ये सॉफ्टवेयर का अपडेट हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके